गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करूँगी टॉपिक नेम इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट देर आर सेवरल मैनेजिंग पोजीशन इन एन बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज पोजीशन कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी एंड स्टेटस ईच कैटेगरी इज़ रिफ़र्ड टू एज लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजिंग का मतलब प्रबंधकीय पोजिशन मतलब पद किसी भी बड़ी संस्था में क्या होते हैं सेवन कई क्या होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं प्रबंधकीय पद होते हैं और इन पदों को उनके अधिकारों उनके स्टेटस के आधार पर कितने कैटेगरी में थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है जो प्रत्येक जो भी आपकी कैटेगरी है उसको क्या कहा गया है लेवल ऑफ़ मैनेजमेंट कहा गया है अब मैंने इसमें एक टर्म यूज़ करी है लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको डिस्क्राइब करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिनोट डेमोक्रेशन बिटवीन वेरियंस मैनेजिंग पोजिशन इन ऑर्गनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज एंड स्टेटस क्या कहने का मतलब क्या है जो प्रबंध के स्तर हैं जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है संगठन के विभिन्न प्रबंधकियों के पदों के बीच में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व अथॉरिटी अधिकार स्टेटस स्थिति के आधार पर सीमांकन को क्या करती है डिनोट करती है व्यक्त करती है सीमांकन मतलब डेमोकेशन मतलब सीमा या फिर एक सीमा रेखा को क्या करती है डिनोट मतलब व्यक्त करती है डिवाइड करती है किस, -किस के अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉानसिबिलिटी अथॉरिटी और स्टेटस के अकॉर्डिंग अब हमने बात करी है ऊपर कि थ्री कैटेगरीज में क्या होता है क्या होता है इसको डिवाइड क्या होता है क्लासीफाई करते हैं पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट इज़ टॉप मैनेजमेंट सेकेंड इज मिडल मैनेजमेंट थर्ड इज़ ऑपरेशनल मैनेजमेंट देखो मैंने अभी हमने बात की थी क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बिहाव पर एक मैंने यहाँ पे लाइन डिनोट करी है डाउनवर्ड जिसको क्या मैंने नाम दिए अथॉरिटी अथॉरिटी मतलब अधिकार हम कह सकते हैं इन अ सिंपल मैनर अथॉरिटी इज अ पावर और अ राइट टू मेक डिसीज़न डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड ये आपके किस में आते हैं आप में अथॉरिटीज़ में आते हैं अथॉरिटीज़ क्या होते हैं एक पावर होती है राइट right होती है कि आप क्या कर सकते हो डिसीज़न ले सकते हो कंट्रोल कर सकते हो और कमांड दे सकते हो रिस्पॉन्सिबिल्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स क्या होता है दायित्व अगर हम इनको सिंपल सेंटेंस में सिंपल मैनर में, में इसको एक्सप्लेन करें तो इट इज़ अ ड्यूटी और अ टास्क विच असाइन टू अ सबोर्डिनेट ऑन द बेसिस ऑफ इस पॉजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखो क्या है? Duty होती है ये ड्यूटी होती है एक जिसको हम क्या करते हैं असाइन करते हैं किसको अपने सबोर्डिनेट को कैसे उनकी ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन उनकी पोजिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं ड्यूटीज़ असाइन करते हैं अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इज़ डेट योर टीचर एक्सपेक्ट यू टू फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम एंड डू टू बेस्ट जॉब सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर होमवर्क ये क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको टीचर ने आपको क्या दिया होमवर्क दिया काम करने के लिए फिनिश करने के लिए तो इट्स योर ड्यूटी कि आपको क्या करना पड़ेगा काम को फिनिश करना पड़ेगा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है आगे हम पढ़ते हैं कि हमने फर्स्ट लेवल के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में वो क्या है हमारा नाम क्या है उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है कौन कौन कंसिस्ट होते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं टॉप मैनेजर कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनरल मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट ये क्या है हमारे टॉप मैनेजमेंट में कंसिस्ट होते हैं करते हैं टॉप मैनेजमेंट के मेन फंक्शन द मेन फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट्स आर टॉप मैनेजमेंट्स डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ एंटरप्राइज टॉप मैनेजमेंट क्या करती है संस्था के जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्य को क्या करती है निर्धारित करती है सेकेंड पॉइंट इट प्रिपेयर स्ट्रेटेजी प्लान एंड पॉलिसी फॉर द इंटरप्राइज ये क्या करती है जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंपॉर्टेंट जो प्लानिंग्स होती हैं और जो पॉलिसीज होती हैं उसको क्या करती है तैयार करती है थर्ड इट अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द मिडल लेवल ये क्या करती है जो भी हमारे मिडल लेवल के मिडल लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको अपॉइंट करती है थर्ड फोर्थ इट इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपेशन ऑफ डिपार्टमेंटल बजट शेड्यूल्स प्रोसीजर एक्सेट्रा ये क्या हमारा बाकी क्या काम करती है टॉप मैनेजमेंट ये जो भी प्रबंधकीय बजट या विभागीय बजट जो भी हमारा होता है वो उसके शेड्यूल्स उसके प्रोसीज़र एक्सेट्रा को क्या करती है इत्यादि को तैयार करने के लिए आवश्यक जो भी है वो इंस्ट्रक्शन क्या करती है जारी करती है इट बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशन विद द आउटसाइड पब्लिक ये क्या करती है जो भी बाहरी जनता होती है उसके साथ क्या करती है संबंध स्थापित करती है विकसित करती है और उसे बनाए रखती है कौन कौन होंगे ये लोग जैसे फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए सप्लायर हो गए अपनी गवर्नमेंट होगी डिपार्टमेंट हो गए और मीडिया इनके साथ क्या करती है संबंध विकसित करती है बिल्डअप करती है और मैंटेन करती है रिलेशन इनके साथ बनाए रखती है देखो अगर वो इनके साथ रिलेशन बनाएगी इन तो बिजनेस को कैसे करेगी अगर देखो अगर वो उसको जब भी अगर वो मार्केट में है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी सप्लायर की भी जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी मीडिया की तो वो क्या करती है टॉप मैनेजमेंट इन सब के साथ क्या करती है रिलेशन बना के रखती है अपने इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट ये क्या करती है जो भी समस्त विभाग है जो भी समझ डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ के होती है उसकी रिपोर्ट की सहायता से क्या करती है कंट्रोल करती है अब देखो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की अपनी अपनी खुद की रिपोर्ट्स होती है उसको क्या करती है ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना मतलब क्या स्टैंडर्ड काम था उन्होंने कितना किया और कितना नहीं किया और क्या कारण आए उनको क्या करती है डेरिवेशन करते ताकि इन्हें नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो ये तो हमारे थे टॉप मैनेजमेंट के अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिडल मैनेजमेंट के मिडल मैनेजमेंट में कौन कौन कंसिस्ट होते हैं पहले उसको पढ़ते हैं मिडल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड सच एज अ फिनानशियल मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर और प्लान सुपरिडेंट ये सारे क्या होते हैं मिडिल लेवल में कंसिस्ट होते हैं अब इनके भी कुछ काम होते हैं वो पढ़ते हैं द मेन फंक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट आर दे एग्जीक्यूट द पॉलिसी फेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट ये क्या करती है संगठन की योजनाओं को जो टॉप मैनेजमेंट की नीति के अनुसार क्या करती है उसको पूरा करती है दे मेक प्लान्स एंड बजट फॉर देयर डिपार्टमेंट ये क्या करती है अपने अपने बज अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने डिपार्टमेंट के लिए योजनाएं प्लान करती है और बजट बनाती हैं दे पार्टिसिपेट द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ जूनियर मैनेजर ये जो जो निम्न स्तर के जो होते हैं प्रबंधक होते हैं उनको क्या करती है नियुक्त करती है और प्रशिक्षण में जो भी प्रशिक्षण मत, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण करती है में क्या लेती है भाग लेते हैं नेक्स्ट दे ईवेल द परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर एंड ऑल्सो मोटिवेट दैम ये क्या करती है जो जूनियर मैनेजर को कि जो उसका काम जो परफॉर्मेंस है उसको मूल्यांकन करती है कि उसने अपने अकॉर्डिंग जो उसको काम था वो ठीक करा नहीं करा वो उसको क्या करती है जस्टिफाई करती है और मोटिवेट करती है ताकि वो और अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर सके। दे अटैम्प टू अचीव कोऑर्डिनेशन विद देयर डिपार्टमेंट ये क्या करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के बीच और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं देखो अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा देखो परचेज मैनेजर है सेल्स मैनेजर है अचार डिपार्टमेंट अकाउंट अगर इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा डाटा सप्लाई कैसे होंगे कैसे हम बिज़नेस कर पाएंगे देखो अगर कोई भी मार्केट में अगर कोई भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम किससे कलेक्ट करते हैं जो मार्केट मैनेजर होता है उसके बिहाफ पे क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर हमारी सेल आउट होती है तो आपको अगर ये सारे ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे पॉइंट नंबर 6 द सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट डाटा टू द टॉप मैनेजमेंट टू अनेबल दैम टू मेक न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज ये क्या करता है डिपार्टमेंट जो भी नई प्लान्स होते हैं नई पॉलिसीज़ को क्या बनाने के लिए प्रोग्रेसिव रिपोर्ट और अन्य जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट को क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट करते हैं प्रस्तुत करते हैं ये इसका लास्ट वर्क था आगे हम पढ़ते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इसके अंदर कौन कौन कंसिस्ट होता है वो पढ़ते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर फॉरमेन सेक्शन ऑफिसर्स अकाउंट ऑफिसर्स सेल ऑफिसर एक्सेट्रा अब हम इसके जैसे हमने टॉप मैनेजमेंट के मिडल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े ऐसे हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे द मेन फंक्शन ऑफ़ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं दे फर्स्ट दे इम्प्लीमेंट द टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कम्युनिकेटेड टू डैम थ्रू द मिडल मैनेजमेंट क्या काम होता है इसका ये टॉप मैनेजमेंट की जो भी नीतियाँ होती है पॉलिसीज़ को क्या करते हैं लागू करते हैं और ये पॉलिसीज़ क्या होती है जो मिडिल लेवल के प्रबंधक होते हैं यानी मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं के माध्यम से क्या करते हैं जो निम्न स्तरीय के जो भी हमारे लोअर लेवल प्रबंधकों को क्या करते हैं कम्युनिकेट की जाती है बताई जाती है कि ये ये पॉलिसी है टॉप मैनेजमेंट की आपको इस तरह से काम करना है ये सब कौन गाइड करता है मिडिल लेवल के मैनेजमेंट दे अरेंज फॉर नेसेसरी मटेरियल टूल्स एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स एंड प्रोवाइड दैम विद द नेसेसरी वर्किंग एनवायरमेंट ये क्या हम ये क्या करते हैं जो भी हमारे कर्मचारी है वर्कर हो उसको आवश्यक जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको मेटेरियल मशीन या फिर जो भी उसको चाहिए टूल्स चाहिए एक्सेट्रा जो भी हमें चाहिए जो भी वर्कर्स को चाहिए आदि को व्यवस्थित करता है और उन्हें कार्य करने के लिए काम करने के लिए एक आवश्यक क्या करता है एनवायरमेंट उपलब्ध कराता है प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली अपना काम परफॉर्म कर सके दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर अंडर देयर चार्ज ये क्या करते हैं ये अपने जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं अधीनस्थ कर्मचारी को क्या करते हैं प्रशिक्षण देते हैं मतलब कि ट्रेनिंग देते हैं अपने अंडर दे सुपरवाइज एंड गाइड द सबोर्डिनेट एंड आल्सो सॉल्व देरी प्रॉब्लम सॉल्व देयर प्रॉब्लम ये क्या करते हैं ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के जो भी है उसको काम का क्या करते हैं सुपरवाइज करते हैं उनको क्या करते हैं आ, गाइड करते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं कौन करता है ये लोअर लेवल दे कम्युनिकेट वर्कर्स ग्रीवेंस टू द हायर लेवल मैनेजमेंट ये क्या करते हैं ये कर्मचारी की समस्या जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती है को कहाँ तक बजाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं दे सेंड प्रोकल प्रोग्रेस रिपोर्ट टू देयर सीनियर हु आर पार्ट ऑफ़ मिडल लेवल मैनेजमेंट ये क्या करते हैं ये अपने उच्च अधिकारियों को जो भी जो भी के मतलब कि कह सकते हैं कि डेट आर द पब्लिश्ड एट अ रेगुलर इंटरवल रेगुलर इंटरवल पे जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट को क्या कर बनाते हैं और उसको कहाँ भेजते हैं अपने मिडल लेवल अपने मिडल लेवल मैनेजमेंट को अभी हमने डिस्कस किया तीन लेवल के बारे में डिस्कस किया फर्स्ट इज़ टॉप मैनेजमेंट सेकेंड इज़ मिडल लेवल एंड थर्ड इज़ लोअर लेवल क्या होते हैं कौन कौन इंदर किसके अंदर इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से इनके फंक्शंस होते हैं आज हमने सारा डिस्कस किया और अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो सीधा ना होकर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि अगर जिस बच्चे ने इसको डीपली रीड किया होगा उसको समझ में आ जाएगी कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं सी बी एस ई बोर्ड में वो क्वेश्चन कैसे हैं फर्स्ट इज रमन इज वर्किंग एज अ प्लांट सुप्रिडेंट इन आर टिफको लिमिटेड नेम द मैनेजिंग लेवल एट विच ही इज़ वर्किंग स्टे एनी फोर फंक्शन ही विल परफॉर्म एज प्लांट सुप्रिडेंट इन दिस कंपनी इसमें देखो क्या कहे है कि एक रमन है रमन वर्किंग कर रहा है किस में वर्किंग एज अ प्लांट सुप्रिडेंट है किस में टिफको लिमिटेड में नेम द मैनेजिंग लेवल आप उसका नाम बताइए एट विच इज़ वर्किंग जो हाँ वो काम कर रहा है ठीक है फिर क्या बता रहा है कि चार फंक्शंस बताइए उसके ही विल परफॉर्म एज अ प्लांट सुप्रेडेंट इन दिस कंपनी कि चार अपने फंक्शंस आप फंक्शन बताइए कि जो रमन है वो प्लांट सुप्रिडेंट का काम कर रहा है उसको वो क्या क्या काम करता है परफॉर्म करता है एज अ प्लांट सुप्रिडेंट इन अ कंपनी के अंदर अब देखो हमने पढ़ा था ये कौन सा लेवल का बंदा है ये मिडल ले, लेवल का बंदा है तो इस क्वेश्चन में आपको मिडल लेवल के जो भी फंक्शंस हैं जो भी फोर फंक्शंस मैंने बताए हैं आपको उसके अंदर लिखना है आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशनल मैनेजर इन आ टिफको लिमिटेड नेम द मैनेजिंग लेवल एट विच ही इज वर्किंग स्टे एनी फोर फंक्शन ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशनल मैनेजर इन दिस कंपनी अब देखो धीरज भी एक वर्किंग कर रहा है वो काम कर रहा है किस में कैसे काम कर रहा है एज ए ऑपरेशन मैनेजर काम कर रहा है किस में टिपको कंपनी लिमिटेड में आपने बताना है कि नाम बताइए कौन से लेवल पे वो कर रहा है कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है और जिस लेवल वो काम कर रहा है कि उसके चार फंक्शन बताइए ही विल परफॉर्म एज अ कि वो जो कंपनी के अंदर वो जो काम कर रहा है परफॉर्म कर रहा है उसके उसके कौन कौन से क्या कार्य हैं चार कार्यों का वर्णन करें तो ये भी हमारा किसके अंदर था मिडल लेवल के अंदर ये भी सारा किस में आ जाएगा आपका मिडल लेवल में देखिए ये सी बस सी बोर्ड टू थाउजेंड एटीन और सी बी एस ई बोर्ड टू थाउजेंड एटीन में आपको सिंपल क्वेश्चन आप पूछे क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन जो इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लिया वो इजीली इसका आंसर दे सकता है इसमें आप कहीं नहीं डिस्क्राइब किया कि भाई टॉप मैनेजमेंट का बताओ इसका बताओ उसका बताओ सिंपल उसने बता दिया कि ये एज ए ऑपरेशन मैनेजर है तो उसके क्या फंक्शंस होंगे ठीक है ये प्लांट सुप्रीडेंट है तो क्या फंक्शन वो क्या काम कर रहा है तो इसमें आपने क्या करना है मिडल लेवल के जो भी आपके लेवल के फंक्शंस में बता चुकी हूँ वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है देखो एक 2011 इलेवन में क्वेश्चन पूछा गया था योर ग्रांड फादर हैज़ रिटायर एज अ डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही वाज ही वर्किंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म एट दिस लेवल स्टेट एनी वन फंक्शन इसमें आपसे क्या पूछा गया कि आपके दादाजी किसी मैनुफैक्चरिंग कंपनी से एज अ डायरेक्टर की पद पर क्या हुए रिटायर हुए वे प्रबंध के किस तरह पर काम कर रहे थे आपके अनुसार उस स्तर में उस तरह के वे कार्य कौन कौन से कार्य वो कर रहे थे कोई भी दो आपको क्या बताने है? कोई भी आपको एक फंक्शन दो नहीं एक फंक्शन बताना है आपको कि क्या काम था तो आपके जो दादाजी है जो काम कर रहे थे वो किस में काम कर रहे थे एज अ डायरेक्टर डायरेक्टर की पोस्ट किसके अंदर आती है आपकी टॉप मैनेजमेंट की तो आप इसके अंदर एक फंक्शन आप दे सकते हो सिंपल से मैं आपको बता चुकी हूँ तो आप सिंपल भी लिख सकते हो डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिवस ठीक है ये आपका क्वेश्चन वन मार्क्स में वन मार्क्स का था 2011 में सिंपल ना पूछ के उसको आपको घुमा के पूछा होता कि थियोटिकली बेस पे अगर आपको पता है आपने रीड किया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ये आपके क्वेश्चन थे फोर फाइव मार्क्स के अंदर टू और टू आई होप सो कि आपको चैप्टर इजीली क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं